नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज हमारी आर्टिस्ट टीम जा रही है घर। तो हेलो राजन भाई। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारी आर्टिस्ट टीम सब जा रही है आज घर 10 दिन की छुट्टी के लिए, और शायद आज ही घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज कुछ आर्टिस्ट जा रहे हैं इधर से पैदल, और हम जा रहे हैं गाड़ी से। तो यहाँ पे मुकुल भाई और श्री आगे जा रहे हैं, और मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, और अभी अमन आ रहा है पीछे से शायद। अभी अमन तो दोस्तों, अब हम अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और बाइक कई दिनों से हमने स्टार्ट नहीं की यहाँ पे। तो हेलो मुकुल भाई। हेलो। तो आज घर की ओर? आज घर की ओर तो नहीं, हम जा रहे हैं ऊखीमठ। अच्छा, घूमने? अच्छा, साइड नहीं, विजिट है हमारे। अच्छा, जो नई वाली साइड है उसे, वहाँ। चलो ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुकुल भाई बैग लगा रहे हैं, बैग छोटे ना है उस दिन की तरह। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी एवेंजर है 220, और दोस्तों बगल वाली मेरी स्कूटी है। तो दोस्तों, अब हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे गाड़ी का वेट करेंगे कुछ लोग, और कुछ यहाँ पे गाड़ी से जाएंगे। तो दोस्तों, मैं जाऊँगा आज ऋषिकेश, और मुकुल भाई लोग जाएंगे आज ऊखीमठ वाली साइट में, जहाँ हमारी नई पेंटिंग साइट चल रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मलेथा का सेरा है, जहाँ माधो सिंह भंडारे जी ने पानी लाया था, और अब यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है, और जो गूल है जहाँ से उन्होंने पानी लाया था वो यहाँ से दिख नहीं रही है, और ये नीचे अलकनंदा है, और ये ऊपर माधो सिंह भंडारी जी का मलेथा है। और दोस्तों, अब ये सेरा पूरा, मतलब जब से यहाँ रेलवे का काम चला तब से इसका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है अब, और अब यहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा, और ये बहुत बड़ा सेरा हुआ करता था, ऊपर से पूरा दिखता है, क्योंकि जब मैं उत्तरकाशी रोड से जाता हूँ तो वहाँ से पूरा दिखता है। और अभी जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश, तो अभी मैंने यहाँ पे स्कूटी रुकी है, और जो मुकुल भाई लोग हैं वो जा रहे हैं अभी चोपता, तो हम मिक्स करके ब्लॉग डालेंगे आज। तो दोस्तों, आज आया हूँ मैं देवप्रयाग। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इधर आगे से अलकनंदा नदी आ रही है, जिस साइड से मैं आया रुद्रप्रयाग से, और ये हमारी यहाँ माँ भागीरथी जो हमारी गौमुख गंगोत्री से आ रही है, और इधर से ये गंगा बन रही है। दोस्तों, यहाँ से मतलब यहाँ आने का बहुत मन था, और आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, आज शिवरात्रि का महापर्व भी है, तो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों नदी को सास और बहु कहा जाता है, भागीरथी को यहाँ पे सास कहा जाता है, और अलकनंदा को यहाँ पे बहु कहा जाता है, और यहाँ से ये गंगा नदी बनती है। और आप लोग देख सकते हो, दोनों नदी में बराबर पानी है। रास्ते में खाई मैंने मैगी, और ये काफ़ी अच्छी मैगी बना रखी है भाई ने। तो आप लोग व्यू भी देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ बाहर का, नीचे गंगा नदी बह रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश में मैं अपने चाचा जी के घर रुका हूँ, और चाचा जी ले गए मुझे मेले घुमाने। तो ऋषिकेश में आप लोग देखते होंगे कि वीरभद्र का मेला लगता है ऋषिकेश में, बहुत बड़ा मेला लगता है।
अब आ गए हम एक बैलून वाली दुकान पे, जहाँ मतलब बंदूक से बैलून फोड़ते हैं। तो मैं और चाचा जी हम 5-5 राउंड शूट मारेंगे यहाँ पे, देखते हैं हम कितने गुब्बारे फोड़ पाते हैं और हमारा निशाना कैसा लगता है। तो पहले चाचा जी ने कर दिया यहाँ पे स्टार्ट, और ये भर दी चाचा जी ने गोली, और ये चाचा जी निशाना लगाने लग गए हैं, और चाचा जी शायद ब्लू वाले गुब्बारे को निशाना बना रहे हैं। वीरभद्र मेले में ये वाली चरखी आप लोग देख रहे होंगे कितनी फास्ट चल रही है, और इस पे काफ़ी मतलब चक्कर आने वाले हालात हो रहे हैं। और इसके बाद मैं और चाचा जी बैठेंगे इस वाली चरखी पे, क्योंकि मुझे ये वाली चरखी सबसे बढ़िया लगी। तो हम अब इसके बाद इस पे बैठेंगे। ये वाला आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बच्चे इस पे कूद रहे हैं, और मुझे लगता है शायद इस पे नीचे ट्यूब रहती है, और ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा मतलब खेलने का साधन होता है मेले में। और यहाँ पे मेले में ऊँट भी आ रखा है, तो आप लोग देख सकते हो ऊँट कितना बड़ा होता है। मैंने आज पहली बार ऊँट को अपने सामने देखा है, और इसमें 2 लोग सवार हैं, और एक मतलब एक बार बैठाने के 50 रुपये ले रहे हैं, और काफ़ी दूर तक घुमाने ले जा रहे हैं। तो कल मैं भी बैठूँगा ऊँट पे। तो हम सारा मेला घूम चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मेला लगा है। और अब जाएंगे हम घर, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, रात की 9 बज चुकी है, और अब जाएंगे हम रूम पे। तो कल फिर आऊँगा मैं इसी मेले में घूमने।